दोस्तों ये देखिए, ये फ़िल्टर का हाउजिंग जो है, अब जो नॉर्मल होता है मैंने वो हाउजिंग इसमें डाल दिया। अब इसके जैसा हाउजिंग तो बाहर से मिल नहीं रहा है, ये हाउजिंग बाहर से मिल नहीं रहा है, लेकिन कंपनी वालों को अगर बुलाते हैं तो उनके नखरे ही कुछ ज़्यादा हैं, तो हमने ये वाले हाउजिंग डाल दिया। ये हाउजिंग देखिए जो नॉर्मल होता है वो डाल के, और इसके अंदर अब कैंडल फिल्टर एक डाल दे रहा हूँ, और इस के ऊपर से इसका कैप हम बिठा दे रहे हैं। ये देखिए इसको इसमें बिठा दिया। अब ये उसके जैसा सेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ बैठ गया, और पाइप ऊपर से अब हमें जुगाड़बाजी करके देना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये फ़िल्टर को हमने उल्टा करके डाल दिया। अब ये पूरा ख़राब नहीं हुआ था फ़िल्टर, ये ठीक ही है। तो अब इसका ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और नीचे का हिस्सा ऊपर कर दिया उसके, और अब इसको हम बंद कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, बंद करने के टाइम इसको देखिए, अगर ये पूरा बैठा नहीं है, ये देखिए अगर, हाँ देखिए ये बैठ गया, लेकिन अगर बैठा नहीं है तो दो तीन बार आप ऐसे ऐसे इसको मूव करते रहेंगे और फिर वो जाके सेंटर में बैठ जाएगा, फिर इसको हम टाइट कर देंगे। अब इसी तरह ये इस वाले को देखिए, इसके अंदर ये फिल्टर चूँकि पोस्ट फिल्टर है इसको, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको मैंने वैसे ही डाल दिया। और इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि ये देखिए, ये रबड़ वाला हिस्सा नीचे रहेगा ताकि ये सील्ड कर सके इसको, और पानी ऊपर तक चढ़े, और फिर ऊपर से जो दो सुराख आप देख रहे हैं, एक सुराख जो साइड वाला सुराख है उसके अंदर से पानी इस फिल्टर के चारों तरफ आता है, और फिर ये ऊपर आ करके, यहाँ देखिए ये आ करके, फिर यहाँ से ये पानी इन सुराखों से ये पानी इसके अंदर जाएगा, इस फिल्टर के अंदर। देखिए इधर इसमें कहीं सुराख नहीं है, साइड में देख रहे हैं, इसमें कहीं साइड में सुराख नहीं है, क्योंकि ये पानी बिल्कुल अगर साइड में सुराख हो तो जाएगा, तो उसका बिना फिल्टर हुए चला जाएगा। अब ये चूंकि हम ऐसे लगाएंगे, नीचे रबड़ सील्ड हो गई, अब ये पानी इस पूरे हाउजिंग में भरेगा, भरने के बाद ये साइड के सुराखों से पानी यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से छनने के बाद में फिर पानी नीचे आउटपुट करेगा। अब इसको भी हम, ये देखिए इसको बंद कर दे रहे हैं, और ये अपनी जगह फिट हो गया। अब ये तीनों फिल्टरों का काम हो गया। अब हम इसकी कनेक्टिविटी करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हाउजिंग फटने का जो कारण था, यही कारण था कि ये मोटर का, ये जो बूस्टर पंप का जो प्रेशर है, डायरेक्ट इस फिल्टर इस हाउजिंग में दे दिया गया था, जिसके वजह से ये हाउजिंग फटी है। ये कनेक्शन जिस टेक्नीशियन ने भी काम किया, वो कनेक्शन बिल्कुल उल्टा कर दिया था, और उल्टा करने की वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ है। अब हम इसको देखो कैसे सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए पाइप की कनेक्टिंग हम कैसे करते हैं। देखिए जो जो टंकी से हमारा लाइन आ रहा है, टूटी से वो लाइन, देखिए इनपुट यहाँ पर आ गया, ये इनपुट आ गया। अब यहाँ से ये देखिए, ये इनपुट है, और यहाँ से फिर ये पाइप इस फिल्टर में, जो सेडिमेंट फिल्टर है इसके अंदर इनपुट आ गया। अब यहाँ से इनपुट को हम आउटपुट यहाँ लेते हैं। ये देखिए इसको आउटपुट, ये पाइप, दूसरा एक पाइप लिया और इसको यहाँ पर आउटपुट के लिए हमने इंसर्ट कर दिया और ये बिठा दिया। और इसके बाद अब यही पाइप हम देखिए कहाँ देते हैं। दोस्तों ये देखिए, इस फिल्टर के नीचे ये पाइप जॉइंट करके, और ये बाहर से नहीं, क्योंकि यहाँ कवर आएगा तो जगह नहीं है इसमें से बाहर निकालने का पाइप, तो अंदर की तरफ से ये सुराख है, ये देखिए यहाँ पर सुराख है, तो अंदर की तरफ से ये पाइप निकाल दिया, इस सुराख से बाहर निकाल दिया। अब यहाँ इसको जॉइंट कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये पाइप यहाँ से लिया और ऐसे ले करके, ये देखिए यहाँ से ले करके, और इसको इधर से आउटपुट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर लेके ये इंसर्ट कर दिया इसमें, ये देखिए अब ये इसका इनपुट हो गया। अब यहाँ से फिर आउटपुट निकालते हैं। अब ये देखिए, ये आउटपुट निकला यहाँ से, ये देखिए पूरा बैठ गया। यहाँ लिखा हुआ होता है दोस्तों ऊपर, ये देखिए इनपुट लिखा है यहाँ पे, और ये आउटपुट लिखा है, ये आउटपुट हो गया इधर। अब इसको हम नीचे जॉइंट करते हैं। अब ये देखिए, ये पहले वाला जो है इसको हम निकाल देते हैं, इस पाइप का कोई काम अब यहाँ पर नहीं है इसको, ये देखिए ये बाहर निकाला। और निकालने के बाद में अब ये जो आउटपुट इस फिल्टर का, कार्बन फिल्टर सेडिमेंट फिल्टर का जो आउटपुट है, वो हम अब यहाँ पर दे देंगे। अब यहाँ पर का मतलब ये सोलेनाइड वाल्व है ये, जहाँ से फिर ये ओपन होगा तो पानी आगे मोटर को, इस बूस्टर पंप को देगा। तो अब हम इसको यहाँ पर कट लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको कट लगाया,
और ये कट लगाने के बाद इसको यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये फिट बैठ गया, ये देखिए ये फिट बैठ गया। अब मैं इसको इधर को मूव कर लेता हूँ। ये देखिए इसको इधर पर ऐसे घुमाया, ये देखिए ये घुमा लिया इसको। अब यहाँ अब ये देखिए इसका पाइप मैंने फिर एक बार निकाला है ताकि एक बार पानी जो इसके अंदर एयर वायर ले लेता है वो सारा पानी मैंने चालू किया है। अब देखिए इसको पानी आने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये भर रहा है अभी। भरने के बाद जब इधर से एयर निकल जाए पूरा तब मैं उसको ज्वाइंट करूँगा ताकि फिर जब हम आर ओ को चालू करें तो टाइम ना लगे और एयर का प्रॉब्लम ना रह जाए। तो अभी देखिए एयर निकल रहा है इसमें से। ये देखिए गाइज एयर निकलने के बाद कितना फ्लो के साथ पानी आ गया अब इसमें, यानी कि अब दो फिल्टरों से इन दो फिल्टरों से सेडिमेंट के एक मोटे धागे वाली फ़िल्टर और एक सेडिमेंट फिल्टर, दूसरी वहाँ कार्बन फिल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ से ये छन करके अब पानी यहाँ पर फोर्स के साथ आ रहा है। अब सेलोनाइट बल्ब में हम इसकी ज्वाइंट करते हैं। अब ये देखिए ये जो बूस्टर पंप में पानी आने का जो इन करने का इंसर्ट होने का जो पानी का रास्ता है ये कहाँ से, उस फिल्टर से दिया हुआ था, जबकि अब ये सेलोनाइट बल्ब से जो ये नीचे देख रहे हैं ये सेलोनाइट बल्ब में आकर के जुड़ेगा। ये एक मिनट, इसको पहले वाला जो टुकड़ा है मैं इसको निकाल के अब यहाँ पे नया पीस लगा देता हूँ। ये देखिए इस पाइप को मैंने ये खींच लिया बाहर, ये टुकड़ा बाहर हो गया। अब ये डायरेक्ट बूस्टर पंप में जाने वाला पाइप इसमें इन करेगा। ये देखिए दोस्तों ये पाइप भी काफ़ी हल्की क्वालिटी का लगाया हुआ है, एकदम पिचक जा रहा है, जबकि मैंने जो पाइप लगाया है वो देखिए काफ़ी थिकनेस है इस पाइप में, दोनों पाइप में फ़र्क है। ये देखिए ये जो मेरा पाइप और ये हल्का पाइप है, इसको मैं निकाल के और यहाँ पे दूसरा पीस जोड़ रहा हूँ। ये देखिए ये बाहर निकाल दिया, अब यहाँ पे दूसरा जॉइंट कर देता हूँ। अब ये देखिए सेलोनाइट बल्ब में इस पाइप को यहाँ पर जॉइंट कर दिया। ये देखिए ये इंसर्ट हो गया इसमें और अब इसको हम इधर जोड़ते हैं। अब ये देखिए गाइज सेलोनाइट बल्ब से निकलने के बाद में ये पाइप यहाँ बूस्टर पंप में इंसर्ट कर दिया गया। अब ये देखिए इसको मैं उस तरफ मूव करता हूँ और इसकी जो बूस्टर पंप का आउटपुट है इसको अब देखते हैं कि ये कैसे क्या करना है। ये देखिए अब ये बूस्टर पंप का जो आउटपुट पाइप है जो कि ये मेम्ब्रेन में जाना चाहिए, तो ये यहाँ फिल्टर में दिया गया था जिसकी वजह से फ़िल्टर क्रैक हो गई, फट गई थी। अब इस पाइप को मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए निकाल के फेंक दिया और यहाँ पे अब दूसरा पाइप, एक अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का देखिए हेवी पाइप, मैं यहाँ पे अब इसको इंसर्ट कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब ये पाइप जा कर के मेम्ब्रेन में जुड़ेगी। अब उसकी साइज़ मेम्ब्रेन तक पहुँचने की साइज़ मैं इसमें माप करके काट लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए पाइप यहाँ से कट कर लिया और काटने के बाद में ये जो आउटपुट है इसका, इसको हमने यहाँ से ये ले लिया। ये देखिए ये ऐसे निकाला और ये बूस्टर पंप का पाइप अब यहाँ से ये यहाँ मेम्ब्रेन में आके जुड़ जाएगी। अब ये मेम्ब्रेन में तो पहले बाद में जोड़ेंगे क्योंकि आप यहाँ पर प्लेटें लगानी है और प्लेट लगाने के बाद में जब मेम्ब्रेन की हाउसिंग ये सेट कर देते हैं तब आपको पाइप की कनेक्टिविटी दिखाते हैं। अब ये देखिए ये प्लेट जो हमने पहले खोला था अब इसको हम यहाँ पर फिट कर देंगे। ये देखिए ये नीचे की तरफ रहेगा। अब यहाँ पर इसका पेच फटाफट हम लगा देते हैं। ये देखिए ये पेच लगा दे रहे हैं, ऐसे चारों पेचों को टाइट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए माशाल्लाह ये जो ऊपर हमने फ़िल्टर लगाया था एक्स्ट्रा, जो अलग से जो क्रैक हो गई थी उसके ऊपर भी ये बिल्कुल सेट आ गया, कोई परेशानी नहीं हो रही है, वरना मुझे ख़तरा था कि ये सेट नहीं होगा। ये देखिए चारों पेचों को हमने टाइट कर दिया। ये देखिए ये चारों पेच टाइट हो गया। अब ये इन दो क्लैंप जो सी क्लैंप हैं अब इनकी बारी है। अब ये देखिए गाइस ये सी क्लैंप को, इसको भी टाइट कर लिया हमने। अब ये दूसरा वाला सी क्लैंप को भी
टाइट कर ले रहे हैं। ये देखिए ये दोनों फिट इसमें टाइट हो गया। अब इसमें मेम्ब्रेन हाउजिंग हम बिठा देते हैं और ये पाइप जो मेम्ब्रेन में लगनी है इसको हम इसके होल से यहाँ से बाहर ले लेते हैं ताकि ये सेफ हो जाएगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। ये देखिए ये पाइप यहाँ से आ गया। अब एक बार ये समझ लीजिए कि ये जो मेम्ब्रेन, ये देखिए जो मेम्ब्रेन हाउजिंग है इसका जो आउटपुट जो वेस्टेज पानी है और जो फ्रेश पानी है वो कहाँ कहाँ जाएगा। ये देखिए ये फ्रेश पानी का, ये वाला लाइन फ्रेश पानी का है जो कि इस वाले फिल्टर में जा रहा है और इस फिल्टर से ये निकल करके, ये देखिए इस पाइप के थ्रू निकल करके आ करके ये यूबी में आएगा और यूबी से फिर ये वापस इस पीएच वैल्यू में जाएगा फिल्टर में और यहाँ से पीएच वैल्यू पूरा होने के बाद फिर यहाँ से ये बाहर निकल के ये टैंक में ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इसका कनेक्शन है। और जो ये दूसरा पाइप है इसका जो वेस्टेज पानी का, ये देखिए जो वेस्टेज पानी का ये पाइप है, ये देखिए ये यहाँ पर ऑटो फ्लैश की जगह में आ रहा है। ये इधर का कनेक्शन ठीक है, ये ऑटो फ्लैश में जुड़ने के बाद यहाँ से ऑटो फ्लैश करके और ये वेस्टेज पानी को बाहर निकाल देगा। अब ये देखिए इस हाउजिंग को हम इसमें बिठा लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये देखिए यहाँ पर ला करके और ये देखिए ये फिट अपनी जगह पे बिल्कुल सेट आ गया। ये देखिए ये बिल्कुल सेट अपनी जगह पे आ गया। ये देखिए ये गाइस इसको मैंने खोला और अब इसके अंदर मेम्ब्रेन डाल के फिर पाइप इसका कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये खोल दिया और ये देखिए ये मेम्ब्रेन मैंने डाला क्योंकि ये मीठे पानी पर मेम्ब्रेन लगना है तो कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए ये मेम्ब्रेन को हमने निकाला और इसको थोड़ा सा पानी में गीला कर ले रहे हैं पहले। ये देखिए अब ये मेम्ब्रेन को इसमें इंसर्ट कर दिया। ये देखिए ये इसमें बैठ गई। अब इसको नॉक प्लास की मदद से हम इसको अच्छी तरह इसमें, ये देखिए बैठा दिया। अब ये देखिए गाइज इसको भी टाइट कर लिया अच्छी तरह। ये देखिए ये टाइट हो गया। अब इसके अंदर हम पाइप को इंसर्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए पाइप इंसर्ट हो गया इसमें। अब इसकी टंकी को हम लगाएंगे। टंकी में पहले पाइप हम यहाँ पर इंसर्ट कर ले रहे हैं। ये देखिए पाइप इसको इंसर्ट कर लिया। ये पाइप इसमें इंसर्ट कर लिया। अब इसको फिट कर दिया। जब ये देखिए ये टंकी हमने बिठा दिया इसमें। अब ये टंकी को यहाँ पर इसको स्क्रू टाइट कर लेते हैं। ये देखिए पेंच लगा दिया और इसको हम टाइट कर ले रहे हैं। ये देखिए टाइट हो गया। इसी तरह चारों पेंचों को टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए ये चारों पेंचों को हमने टाइट कर लिया। ये देखिए ये टाइट हो गया, फुल टाइट कर दिया इसको। फुल का मतलब एक हिसाब से दोस्तों, नहीं तो ये चटक जाएगा। सब कुछ प्लास्टिक का है इसका, एक हिसाब से। देखिए ये अब टंकी फिट हो गई, चारों बोल्ट इसमें टाइट, चारों स्क्रू टाइट हो गए। ये देखिए गाइज ये टैंक फिट करने के बाद में अब जो इसका सेंसर सर्किट है अब इसको कनेक्ट कर देना है। ये देखिए पिन उठाया और इसको ऐसे लिया और ये देखिए ये अपनी जगह, ये देखिए ये फिट, आवाज़ आई एक और ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये फिट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे इसको फिट कर दे रहे हैं। ये देखिए जो इसका जगह बना हुआ है इसकी जगह में ये पैच लेंगे और इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए ये यहाँ पे चारों पेंचों को ऐसे ही टाइट कर लेते हैं। ये देखिए ये चारों पेंचों को टाइट करने के बाद में ये देखिए ये अच्छी तरह यहाँ फिट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या करना है। अब ये देखिए ये जो टैंक की जो लीड दो आ रहे हैं
एक ये वाली यहाँ पे इसको इंसर्ट करके इसमें फिक्स कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे फिट हो गई और ये ऐसे चली जाएगी। और ये वाली जो ब्लू वाली है ये देखिए इसके अंदर ये ब्लू वाली इसके साथ इंसर्ट कर देते हैं। ये देखिए ये यहाँ फिट हो गई। अब ये इसका कनेक्शन हो गया। अब नीचे देखते हैं। अब ये देखिए फालतू तार में यहाँ पर एक क्लिप लगा के टाई बेल्ट लगा करके और इसको टाइट कर दिया यहाँ पे और ये कट कर दिया। और ये देखिए अब इसमें ये जो पाइप है इसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए सही से बिठा करके और ये बेल्ट इसी पे चढ़ा दिया जो कि इसको ये देखिए कस दिया। ये फिट बैठ गया और इस चौक को वापस इसमें हम चिपका देते हैं जैसे कि पहले इस यहाँ पे चिपका हुआ था। ये देखिए ये यहाँ पे हो गया और ये सारा इसमें कनेक्शन हो गया। और ये लो प्रेशर स्विच है जो पहले लगा था लेकिन ये निकला हुआ था ऐसे ही, तो इसको हम यूज़ में नहीं लेते हैं, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब दोस्तों ऊपर वाले का नाम लेकर अब इसे स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए देखिए चालू हो गई। देखिए माशाल्लाह ये देखिए फर्स्ट क्लास काम करने लगी और ये ऑन हो गई। देखिए अभी ऑटो फ्लैश हो रहा है। देखिए ऑटो फ्लैश हो रहा है। पानी इधर अभी तो थोड़ा सा लाइन में बाकी है तो अभी आने में थोड़ा देर लगेगा, थोड़ा देर के लिए हम इसको वेट कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑटो फ्लैश काम कर रहा है। ये शुरू होने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए दो पाँच सेकंड के लिए ये रुक गई, अब फिर ये चालू होगी दोबारा ऑटो फ्लैश। देखिए अब चालू हुई, एक बीप की आवाज़ आई और ये फिर दोबारा से ये आर ओ अब चालू हो गया है। देखिए तो देखिए एक आवाज़ आने लगा, ये इसका मतलब अब मेम्ब्रान पे प्रेशर पड़ रहा है, इसमें ज़ोर लग रहा है, काम कर रही है अब ये। अब माशाल्लाह दोस्तों ये देखिए अब दोनों पानी, ये वेस्टेज पानी आ रहा है इस पाइप में से, ये देखिए इस पाइप में से वेस्टेज पानी आ रहा है और इस पाइप में से ये देखिए जो ये ब्लू कलर जिसमें लगा हुआ उसमें फ्रेश पानी आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये आर ओ पूरी तरह से ठीक हो गया, जो कि बिल्कुल उल्टा सीधा कनेक्शन होने की वजह से इसकी हाउसिंग भी फट चुकी थी और सारा पाइप उल्टा सुलटा था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अब इसमें टी डी एस अभी हम चेक करा देते हैं आपको, फिर हम आपसे विदा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ये टी डी एस अब इसका हम चेक कराते हैं आपको। थोड़ा सा पानी मैंने निकाल लिया है। अब ये देखिए ये टी डी एस ये गिलास में पानी है और आप टी डी एस देख सकते हैं, माशाल्लाह 66 टी डी एस है। ये देख सकते हैं 66 टी डी एस है और ये फर्स्ट क्लास पानी, एकदम प्योर पानी पीने के लायक हो गया और ये बढ़िया हो गया है। जो कि आर ओ बिल्कुल कबाड़ा हो गया था वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब आपको एक बार देखिए ये सारा कुछ जोड़ने के बाद एक बार पाइप लाइनों को ज़रूर चेक करना चाहिए कि कहीं से लीकेज उकेज है या नहीं है सारे पाइप लाइनों को। ये देखिए चारों तरफ हम पाइप लाइनों को देख ले रहे हैं एक बार, ये देखिए कहीं से लीकेज नहीं है। बैक साइड में भी एक बार देख लेते हैं, ये देखिए बैक साइड में भी ये देखिए कहीं से लीकेज नहीं है, क्योंकि प्रेशर पड़ने पर लीकेज हो सकता था अगर पाइप की कंटिन्यूटी सही नहीं हुई है, कनेक्शन सही नहीं हुआ है। तो ये देखिए सारे पाइप लाइन बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। ये ऊपर फिल्टर में भी देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ भी कोई लीकेज नहीं है, यहाँ भी कोई लीकेज नहीं है। ये देखिए ये यानी कि जो जुगाड़ मैंने बनाया था वो जुगाड़ देखिए, ये इस फिल्टर का अगर यही हाउसिंग नहीं लगता तो ये पूरा आर ओ कबाड़ा था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। दोस्तों ये देखिए जुगाड़बाजी इसका कैसे काम आ गया और माशाल्लाह ये कितना बढ़िया चल रहा है।